हमास ने अचानक अटैक क्यों किया? आखिर हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में जिससे दोनों ही शत्रु बन गई, और किन कारणों से आज इजराइल जीवित है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या नुकसान होने वाला है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमास फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है जिसने इजराइल में घुसकर वहां के सिविलियन पर अटैक कर दिया है। उन्होंने करीब 5000 रॉकेट छोड़े हैं और ये आतंकी पैराग्लाइडिंग करते हुए इजराइल में उतरे। फिर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बूढ़ी महिलाओं को गन पॉइंट पर रखा गया, बच्चों और महिलाओं का किडनैप किया गया, और इन महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया जिसे हम यहाँ बता भी नहीं सकते। इजराइल में ये सब होने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जंग का आगाज कर दिया है, एंड इजराइल के काउंटर अटैक में 600 से भी अधिक फिलिस्तीनी सिविलियन की मौत हुई है। अब जब ये युद्ध की बात हुई तो हर देश ने अपने नीज के हिसाब से देश को चुना। यूएसए ने इजराइल को चुना और अपनी सेना और हथियारों को इजराइल भेजने की तैयारी भी कर ली है। फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों ने इजराइल को चुना, लेकिन कतर, तुर्की, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया समेत लगभग हर अरब देश ने फिलिस्तीन का साथ चुना। लेबनान ने तो इजराइल पर रॉकेट ही दाग दिया। अब सवाल ये आता है कि हमास ने अचानक इजराइल पर अटैक क्यों किया? वेल, इसका करंट टाइम पर कोई भी सटीक आंसर नहीं दे सकता, बट ये हमला यौम किपुर वॉर के 50वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुई। अब ये यौम किपुर युद्ध है क्या? सो 1973 में अरब के दो कंट्री, इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था, एंड दोनों कंट्री उस समय पूरे अरब कंट्रीज को लीड कर रहे थे। और इस अटैक में सऊदी अरेबिया ने सीरिया की मदद की, लेकिन अंत में जीत इजराइल की हुई। लेकिन भले ही इजराइल इस वॉर में जीत गया हो, मगर इजराइल को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, एंड इजराइल तो नेगोशिएट टेबल तक पहुंच गया था। एंड यही सिमिलर अटैक आज हमास ने किया है, जिसको सपोर्ट सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो सवाल ये आता है कि सऊदी अरेबिया का इसमें क्या रोल है? तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कड़ी हैं। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया इजराइल से अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, जिसे डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जा रहा था, और इस डील में अहम भूमिका निभा रहे थे यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अब इजराइल से इतनी दुश्मनी होने के बाद भी सऊदी को ये डील क्यों करनी थी? अब सऊदी को ये डील इसलिए करनी थी जिससे सऊदी और यूएसए के संबंध अच्छा हो सके, और यूएसए उसे ईरान के अगेंस्ट मदद करे। ईरान अपना मिसाइल बेस बढ़ा रहा है, जो सऊदी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सऊदी अरेबिया यहाँ अपना प्रॉफिट देख रहा है यूएसए और इजराइल से डील करके, बट इन दोनों के संबंध अच्छे होने से जो बाइडेन का क्या फायदा है? सो अमेरिका में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर बाइडेन इजराइल और सऊदी के बीच मध्यस्थता कर देता है तो बाइडेन के लिए जियोपॉलिटिकल लेवल पर काफी बड़ी जीत होगी, जिससे उनको पॉलिटिकल फायदे भी होंगे। और अगर इजराइल और सऊदी के रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो आने वाले समय में इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों का भी इजराइल के लिए रास्ता खुल जाएगा, एंड शायद यही कारण है जिसकी वजह से हमास ने ये अटैक किया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? सो 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज के इजराइल को जन्म देने की कारण बनी। 1830 से 1890 के बीच में यूरोप के कई जगहों पर यहूदियों को छोटे बड़े पैमाने पर मारा जाने लगा। जब यूरोप में यहूदियों को मारा जाने लगा तो इनका एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे ज़ायोनिज्म कहा जाता है। यहूदियों की मांग थी कि उनके लिए एक सेपरेट देश हो जहां वह सुरक्षित रह सके। अब वो जगह उनके अनुसार से एक ही जगह हो सकती थी, और वो थी द एशियंट होमलैंड ऑफ ज्यूज, यानी जेरूसलम, जिसके बारे में आपको यहूदी टेक्स्ट में भी मिल जाएगा। और इस काम को करने में दो व्यक्ति ऐसे थे जिसकी अहम भूमिका थी, अलजीर बिन यहूदा और थाओदर हाजी। अलजीर बिन यहूदा ने 1881 में पहली बार इस एरिया में पहुंचे, और इन्हीं के नेतृत्व में यहूदियों का पहला आलिया मतलब पलायन हुआ। 1881 से 1903 तक लगभग 25,000 यहूदी आज के इजराइल पहुंचे, जो उस समय अरब क्षेत्र हुआ करता था। वहीं थाओदर हाजी, जिन्होंने द ज्यूइश स्टेट बुक लिखा था, उन्होंने 1897 में वर्ल्ड ज्यूज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी, जिसमें वर्ल्ड वाइड के जितने भी यहूदी थे उसमें भाग लिया। एंड आज जो इजराइल का नेशनल एंथम है, इन्होंने ही 1897 में चुना था। बट इन सब का यहूदी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो 1904 से 1914 के बीच दूसरा आलिया हुआ, जिसमें लगभग 40,000 से भी अधिक यहूदियों का पलायन हुआ इस इजराइल क्षेत्र में। बट इसके तुरंत बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, एंड जायनिस यहूदी इंग्लैंड से एक अलग देश की मांग करती है। एंड इसका ये प्रभाव था कि 1917 में एक लेटर के माध्यम से बेलफोर की घोषणा की गई, एंड इंग्लैंड के द्वारा एक लेटर पब्लिक की गई जिसमें ये लिखा था कि हम इससे सहमत हैं कि फिलिस्तीन एरिया में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाया जाए बिना वहां रह रहे लोगों के जीवन को बाधित करते हुए। तभी 1918 में ओटोमन साम्राज्य इंग्लैंड से हारता है और जेरूसलम का ये एरिया अब इंग्लैंड के कब्जे में होता है, और 1922 में लीग ऑफ नेशन बनती है और इंग्लैंड को ये अधिकार दिया जाता है कि इंग्लैंड इस एरिया में राज करे, एंड इस एरिया में इजराइल के लिए कुछ व्यवस्थाएं करे, एंड
इन सब बातों से अरब और यहूदियों के बीच दंगी आरंभ हो जाती है एंड हगना नामक एक यहूदी मिलिट्री संगठन बन जाती है और इन सबों के बीच तीसरा, चौथा और पांचवा आलिया यानी पलायन होता है, जिसमें लगभग 3.5 लाख यहूदी इस एरिया में पलायन करते हैं। और इन सब पलायन से यहूदियों की संख्या उस एरिया में फिलिस्तीन की संख्या को टक्कर दे रही थी, जिससे अरबियों के बीच असंतोष का माहौल उत्पन्न हो रहा था। एंड यही वजह रही कि 1936 से 1939 तक अरब और यहूदियों के बीच भीषण घमासान होता रहा, जिसमें हजारों अरबी, यहूदी और ब्रिटिशर्स की मौत हुई। तब जाकर ब्रिटेन ने 1939 में यहूदियों के आगमन पर अवरोध लगा दिया, पर पलायन अभी भी जारी था। इसके तुरंत बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यहूदियों ने ब्रिटिश का साथ दिया और अरबियों ने जर्मनी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर और उनके साथियों की जीत होती है, लेकिन यूएसएसआर की आर्मी में करीब 2 लाख से भी अधिक यहूदी मारे गए। लेकिन युद्ध के बाद यहूदियों का इसका लाभ भी हुआ, पर 1946 से 1947 तक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। बट इंग्लैंड ये प्रयास कर रहा था कि अरब और यहूदियों के बीच एक समझौता हो, परंतु ये हुआ नहीं, क्योंकि यहूदी अपने लिए एक पृथक देश की मांग कर रहे थे। एंड इसी सिचुएशन में ब्रिटेन ने फरवरी 1947 में ये मामला यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया एंड ये कहा कि 15 मई तक ब्रिटेन ये जगह खाली कर देगा। 29 अक्टूबर 1947 में यूनाइटेड नेशन एक रेजुलेशन पास करती है, जिसमें ये था कि यहाँ एक यहूदी राज्य और फिलिस्तीनी राज्य बनेगा एंड जेरूसलम यूनाइटेड नेशन के अंडर रहेगी। अब इस रेजुलेशन के पहले ये सफेद डॉट वाले इलाके यहूदियों के पास थे, मगर यूएन के रेजुलेशन के पश्चात ये मैप कुछ इस प्रकार से दिख रही थी, जिसमें सफेद इलाके यहूदियों के हक में थे और हरे इलाके फिलिस्तीन के हक में। एंड साथ ही 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की घोषणा भी कर दी गई और इस घोषणा के तुरंत बाद यूएसए और रशिया ने इजराइल को मान्यता दे दी एंड इसी प्रकार इजराइल एक कंट्री के रूप में जन्म लेती है और यहीं से प्रारंभ होती है हर समय चलने वाली वॉर का। अब हम आते हैं हमारे अंतिम सवाल की ओर कि हमास के इस अटैक से भारत को क्या नुकसान होने वाला है। सो हाल में हुए G20 समिट में भारत ने IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर एक ट्रेड रूट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें UAE, इजराइल, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन देश एक बड़ा रोल प्ले करते। अब इस अटैक के तुरंत बाद सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को ही ब्लेम कर दिया। सो इसमें भारत का ये नुकसान है कि इजराइलियन फोर्स अपने को डिफेंड करने के लिए फिलिस्तीन पर बॉम्बिंग करेगा, जिसके बाद से सऊदी के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि इजराइल के साथ कोई भी डील ना करे, जिसकी वजह से ये ट्रेड रूट काफी मुश्किलों में पड़ सकता है अगर ये वॉर लंबी चलती है, जिसकी काफी संभावनाएं हैं, जिससे भारत का ये ट्रेड रूट काफी समय तक रुकना पड़ सकता है। खैर इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।